düşünüşe falan. Araya bir laf yaptık diye sokuyor. जोड़ने को लेकर विधिक से और जागरूकता सत्यीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय विलय का तुलकेला फरमान को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा को दिया धरना। और टाटा मोटर्स के रिटायर कर्मचारी के घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। खबर विस्तार से आगामी 25 फरवरी को जमशेदपुर गोपाल मैदान में नालसा स्कीम के तहत पीएलएसएस और झालसा के द्वारा असंगठित कर्मचारी सरकार स्कीम से जोड़ने को लेकर विधिक सेवा जागरूकता सत्यीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन झारखंड के चीफ जस्टिस डीएन पटेल करेंगे। इसकी जानकारी जमशेदपुर के प्रधान जिला जज ढालसा के चेयरमैन मनोज प्रसाद और पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त अमित कुमार ने संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को दी। साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी होगा। 25 फरवरी को लगने वाले शिविर में कुल 35 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को सरकार स्कीम से जोड़ा जाएगा। साथ ही सरकारी विभागों को आम जनता से जोड़ने का काम इस शिविर के माध्यम से झालसा करेगी। गौरतलब है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के करीब 3 लाख असंगठित क्षेत्र से मजदूर आते हैं, जिन्हें सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे में यह शिविर वैसे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर और कर्मचारी को लाभ पहुंचाने में कारगर सिद्ध होगा। बताया जाता है कि अब तक करीब 2 लाख असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निलंबन हो चुका है। लीगल सर्विसेज का एम्पावरमेंट कैंप लगाया जाना है और उसको लेकर के झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दिशा निर्देश के आलोक में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लगातार काम कर रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे कैंपों का आयोजन करके असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके निबंधन का कार्य किया जा रहा है। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए मजदूरों के कल्याण के लिए और उनको सशक्त करने के लिए लगाया जा रहा है, तो इसको पूरे मिशन मोड में जो है वो लिया गया है। और जैसा कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सर ने खुद कहा कि 2 लाख से अधिक मजदूरों का निबंधन जो है वो किया जा चुका है। और निबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि निबंधन करने के बाद से ही उनके वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं उनका लाभ जो है वो मिल पाता है। जहाँ तक कल डिफरेंट स्टॉल्स की बात है, टोटल 35 स्टॉल्स विभिन्न विभागों के माध्यम से जो है वो लगाए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से श्रम विभाग, समाज कल्याण, कौशल विकास और झारखंड स्टेट लाइवलीवुड प्रमोशन सोसाइटी के जो है वो DRDA के होंगे, पशुपालन एवं जो कृषि से संबद्ध जो एक्टिविटीज हैं, मत्स्य पालन, हम आप देखेंगे DLSA का भी एक स्टॉल रहेगा। इसके अलावा पुलिस और नगरीय प्रशासन के जो स्टॉल्स हैं, इन तमाम के साथ में लगभग 35 स्टॉल्स जो है वो कल रहेंगे, जिस पर इन असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए चलाई जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और साथ ही साथ उनको जो निबंधित मजदूर हैं उनको विभिन्न तरह के लाभ परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा जो है, क्योंकि अगर उनका निबंधन है और वो काम कर रहे हैं, शर्त एक ही है कि ये असंगठित मजदूर के कैटेगरी में आएंगे। जैसे अगर वो ठेका मजदूर हैं और उनको अगर EPF मिल रहा हो, ESI की सुविधा मिल रही हो, तो वो असंगठित मजदूर के कैटेगरी में नहीं है। लेकिन अगर वो निबंधित हैं तो उनके मौत को या कोई भी दुर्घटना, चीफ गेस्ट साहब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DN पटेल साहब हैं, उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल जस्टिस SC मिश्रा साहब हैं और ऑनरेबल जस्टिस अप्रेस सिंह साहब हैं। स्कूली शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विद्यालय के विलय का तुलकेलाम फरमान ने जारी को लेकर एकत्रित पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने धरना दिया। पारा शिक्षक के द्वारा विद्यालय विलय की प्रक्रिया को रोकने एवं पारा शिक्षकों समस्याओं के निदान को लेकर जिला मुख्यालय पर एकत्रित पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 2 सूत्री मांग के साथ धरना दिया। धरना के माध्यम से इनका कहना था कि स्कूली शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विद्यालय के विलय का तुलकेलाम फरमान जारी किया जाएगा, जिसे विद्यालय मर्ज के मापदंड में कोई त्रुटियां है तो विद्यालय मर्ज किए जाने से कोई संकट उत्पन्न होने वाले हैं, जिससे पारा शिक्षक का भविष्य में भी संकट पड़ने लगेगी।
झारखंड राज्य एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। हमारी मुख्य मांग है राज्य में जो विद्यालयों की विलय की जा रही है उसे अविलंब रोक लगाई जाए और पारा शिक्षक की सेवा स्थायी की जाए। नाम बताइए। सुमित कुमार तिवारी, जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। किनके नाम से किनसे मिलने आए हम लोग? आज उपायुक्त को ये ज्ञापन देंगे। जमशेदपुर में इन दिनों चोरी की घटना में काफी वृद्धि हो गई है। लगातार चोरी की घटना घट रही है। शहर के सभी थाना क्षेत्रों के चोर सक्रिय। वैसे ताजा मामला सीताराम डेढ़ थाना अंतर्गत भालूबासा का है, जहां टाटा मोटर्स के रिटायर कर्मचारी शंकर चटर्जी के घर का ताला काट कर अज्ञात चोरों ने 2 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपया नकद उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि शंकर चटर्जी अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के यहाँ गए थे और घर बंद पड़ा था, तभी अज्ञात चोरों ने घर का ताला काट कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। उधर दोपहर बाद शंकर चटर्जी अपने घर पहुंचे और घर का ताला काटा देखकर हैरान हो गए। उधर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास से 100 मीटर की दूरी पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के आवास के आसपास विशेष सुरक्षा बरती गई है। फिर भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को हैरानी में डाल दिया है। सही, हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग गए थे बेटी और दामाद के पास, वहीं से रह रहे थे 2 दिन। तो हम लोग अक्सर आज तक कभी तो ऐसा हुआ नहीं, जो भी हो हम लोग का पूरा लॉक वॉक करके जाते हैं बराबर यही। तो वहाँ से जब लौट के आए आज 2 दिन के बाद, तो आके देखते हैं ताला तोड़ा हुआ है, ताला तोड़ा, फिर उसको खोला, फिर देखा दूसरा ताला भी तोड़ा हुआ है, दरवाजा का ग्रिल का ताला तोड़ा हुआ है, उसके बाद दरवाजा का तोड़ा हुआ है, उसके बाद देखा अलमीरा तोड़ा हुआ है, सब चारों तरफ। उसके बाद मेरा LCD था वो नहीं है घर पे, 2 LCD था वो घर में भी देखा, दूसरे घर में वो भी रूम में नहीं था, कोई नहीं। उसके बाद हम लोग क्या किए, चारों तरफ देख रहे, अभी बहुत सारा सामान चोरी हो गया, करीब 2.5 लाख का सामान चोरी हो गया टोटल मिला होकर, नकदी भी चोरी हुआ। हाँ, नकदी भी चोरी हुआ। हम लोग को यह सूचना मिला था कि शंकर चटर्जी के घर में चोरी हुआ है, तो हम लोग आए देखे तो पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। तो ऐसे अनुमान लगाया है कि कोई अज्ञात चोर के द्वारा है ना बहुत ही भीषण चोरी किया गया है, और अभी तक जैसे सूचना मिल रहा है कि 2 से 2.5 लाख रुपये का सामान, गहना वगैरह, नकदी वगैरह सब चोरी हुआ है। तो हम लोग इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका खुलासा जल्द से जल्द हो सके। निजी स्कूलों में चल रहे ऑटो एवं वैन वालों के समर्थन में JMM के सरायकला विधायक चंपई सोरेन ने वाहन चालक संघ का समर्थन किया। शहरों के निजी स्कूलों में बस परिचालन को लेकर स्कूल में वर्षों से वाहन चालक संघ स्कूली बच्चों को सुरक्षित स्कूल ले जाने लाने को लेकर अपना सेवा देती रहती है, लेकिन जिला प्रशासन एवं सरकार के द्वारा स्कूलों में निजी ऑटो व वैन को बंद कर बस की व्यवस्था से घबराए निजी वाहन चालक संघ के समर्थन में JMM के विधायक चंपई सोरेन ने इनका समर्थन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि अगर स्कूल में सरकारी बस चलेगा तो निजी वाहन चालक संघ के 20,000 परिवार घर सड़क पर आ जाएंगे। इसको लेकर हमने जिले के उपायुक्त से मिलने आए थे, पर उपायुक्त के ना होने से अगले सप्ताह मिलने की बात कही। वही उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल में बस चलाएगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाहन चालक संघ का समर्थन करती है, और जरूरत पड़ा तो इसके लिए उपायुक्त कार्यालय पे भी हम लोग इनके वाहन के साथ धरना करेंगे। जितना स्कूल में जो ये जो छोटे वाहन से जो बच्चा को लाने का ले जाने का जो चल रहा है उसी को रहना चाहिए, या बस का व्यवस्था किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो 20,000
परिवार परिवार रोड पर आ जाएगा जो सरकार संभाल नहीं पाएगा, जिला प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। इसमें किसी तरफ का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग का दायित्व है ये स्कूल से जो गांव में जितना स्कूल चाहे सरकारी स्कूल को उसको अच्छा से पढ़ाई पठन करे, जहां पर अच्छा चल रहा है अभिभावक ला अपना खुशी भी है और उसमें छेड़छाड़ करने का जिला प्रशासन नहीं करना चाहिए ना सरकार को करना चाहिए। उत्पाद विभाग के द्वारा आज बैंको पंचायत झाटी पहाड़ी में छापेमारी के दौरान 3 पेटी अंग्रेजी शराब, 25 ड्रम जावा महुआ, 150 अवैध शराब के साथ माल ढुलाई के 2 स्कूटर को बरामद किया गया। होली के त्यौहार को देखते हुए जिले के उत्पाद विभाग ने शहर एवं शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की छापेमारी जोर शोर से करनी शुरू कर दी। इसको लेकर उत्पाद विभाग को कुछ न कुछ बड़ी सफलता ही हाथ लग रही है। इस छापेमारी के दौरान आज एमजीएम थाना क्षेत्र के बैंको पंचायत से 3 पेटी अंग्रेजी शराब, वहीं छोटा बाकी गाँव में नाले किनारे से 25 ड्रम मावा महुआ को, 2 स्कूटर एवं 150 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्वी सिंहभूम के आदेशानुसार आज हम लोगों ने एमजीएम थाना एवं एमजीएम क्यूआरटी के सहयोग से बेको पंचायत अंतर्गत झांटी पहाड़ी में पहले एक दुकान में छापेमारी की, जहां से अंग्रेजी शराब 2 से 3 पेटी के करीब बरामद की गई है। वहां का जो संचालक था वो मौके से फरार हो चुका है। उसके पश्चात हम लोगों ने एमजीएम थाना अंतर्गत ही छोटी बांकी कालाझोर गांव के आसपास के नाले के किनारे छापेमारी की है, जहां से 2-3 भट्टियों से करीब करीब 25 ड्रम जावा महुआ निकाला गया है, जो निकालते समय नष्ट हो चुका है। साथ ही मौके से 2 स्कूटर जब्त किए गए हैं, जिनसे माल ढुलाई की जा रही थी, और करीब करीब 150 लीटर के करीब शराब बरामद की गई है, अवैध चुलाई शराब। जो भी वहाँ संचालक थे वो हम लोग को आते देखकर जंगल की ओर भाग निकले हैं। उनका तलाश जारी, उनके बारे में पहचान की जा रही है और उन पर एफआईआर किया जाएगा। अब तक कम से कम बराबर हम लोग इसीलिए छापेमारी इसलिए भी कर रहे हैं बराबर, ताकि ये सब बंद हो जाए। खबर वक्त छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली प्रदेश के आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवास पर पुलिस की छापेमारी की घटना को लेकर जमशेदपुर आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। 23 फरवरी को दिल्ली पुलिस के द्वारा आप पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में छापेमारी किए जाने को लेकर जमशेदपुर आम आदमी पार्टी की इकाई ने धरना प्रदर्शन काला बिल्ला लगाकर किया। वो इनका कहना था कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रायोजित है, हमारे मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार करने की एक साजिश है जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। देखिए आज हम लोग आम आदमी पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से जो केंद्र सरकार का आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे दिल्ली का पुलिस द्वारा जो छापामारी किया है उसका विरोध में आज हम लोग जिला इकाई की तरफ से आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि भाजपा सरकार का गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। इसके लिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक भाजपा सरकार इस तरह दमन नीति चलाया जाएगा, जो कि वहाँ का एलजी का मनमानी चलाया जा रहा है, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी एक एक कार्यकर्ता हम लोग पूरा देश में झाड़ू लेके उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे, जितना भी केचड़ा ऑफिसर है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, सबको हम लोग झाड़ू से साफ करेंगे। आगामी 26 और 27 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 18वां प्रांतीय अधिवेशन बिष्टुपुर के तुलसी भवन में आयोजित होगा। एवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में करीब 800 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन के नए प्रांतीय कार्यकारिणी की घोषणा होगी। दो दिनों तक चलने वाले अधिवेशन में झारखंड की शैक्षिक स्थिति पर चर्चा होगी। झारखंड के वर्तमान परिदृश्य, मसलन स्थानीय नीति, रोजगार, सीएनटी मुद्दा समेत अन्य गंभीर विषयों पर भी गहन चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसकी जानकारी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री यज्ञवल्ल शुक्ल ने मीडिया को दी। 27 फरवरी को प्रदेश का अधिवेशन जमशेदपुर में होना है। इस अधिवेशन में राज्य के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों से संबंधित दो प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद लाएगी, एक राज्य की वर्तमान परिदृश्य पे और एक राज्य की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति पे, और कुल मिला के इन मुद्दों पर एबीवीपी प्रस्ताव पारित करते हुए दो प्रस्ताव पारित करके आने वाले समय में इस राज्य में शैक्षणिक वातावरण का ठीक से निर्माण हो, प्रत्येक नौजवानों को रोजगार की असीम संभावना यहाँ प्राप्त हो, और जो एक राज्य के अंदर एक अभी खलबली सी विषय आया है, चाहे सीएनटी हो चाहे स्थानीय नीति हो, इस प्रकार के इशू पर एबीवीपी समाधान का मार्ग ढूंढने के लिए इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके सरकार को सौंपेगी कि इस दिशा में काम करने से ही राज्य का विकास हो सकता है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। कदमा थाना जमशेदपुर अभिभावक संघ ने एक निजी स्कूल के मनमाने रवैये तथा कानून के उल्लंघन के मामले में स्कूल के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। संघ ने स्कूल के ऊपर कानून के उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है। मामला कदमा थाना क्षेत्र के डीबीएमएस स्कूल का है। बताया जाता है कि स्कूल प्रबंधक के द्वारा आरटीआई कानून का खुल्ला खुल्लम उल्लंघन किया जा रहा है और उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष के अनुसार स्कूल प्रबंधक जानबूझकर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन उनके साथ आरक्षित सीटों पर नहीं कर रही है और इसके लिए उम्र का बहाना बनाया जा रहा है, जबकि नियमों के तहत 3.5 वर्ष से लेकर 4.5 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन नर्सरी में किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि कानून के तहत प्रत्येक स्कूल में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित रहती है, लेकिन स्कूल प्रबंधक जानबूझकर इन सीटों पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं कर रही है और इन आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के बच्चों का नामांकन पैसों के एवज में करवाया जा रहा है। इस मामले को लेकर इनके द्वारा स्कूल के चेयरमैन प्रचार्य व कई पदाधिकारियों पर कदमा थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है कि 3 साल 6 महीने से 4 साल 6 महीने के बच्चे का नामांकन प्राथमिक नर्सरी क्लासेज में होगा, लेकिन डीबीएमएस हाई स्कूल कदमा द्वारा बार बार अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि वो सभी झारखंड सरकार के अधिसूचना जारी अधिसूचना के सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको दौड़ाया जा रहा है। उपायुक्त महोदय के सामने भी इस मांग को रखा गया, लेकिन अब तक जो है इस पर जो है हल नज़र नहीं आ रहा। अभिभावक परेशान है, डीएससी डीसी और स्कूल कार्यालय और स्कूल के बीच में दौड़ते दौड़ते परेशान है। आज सभी अभिभावक जो त्रस्त अभिभावक है आज कदमा थाना में आए हैं। स्कूल के ज्वाइंट ग्रुप के डीबीएमएस ज्वाइंट ग्रुप के चेयरमैन बीस चंद्रशेखर, डीबीएमएस हाई स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के जो ऑफिशियल स्टाफ है, सभी पर प्राथमिकी दर्ज कराने हैं। स्कूल बच्चे को एडमिशन ना लेके उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। 6 साल से 14 साल बच्चों का
अनिवार्य रूप से शिक्षा पाना है, लेकिन उसको भी वो नहीं देने से इनकार कर रहा है, तो आज प्राथमिकी हम लोग दर्ज कराने हैं। और अब चले से पहले डालते अब तक की सुर्खियों पर। कर्मचारी को सरकार स्कीम से जोड़ने को लेकर विधिक से जागरूकता सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय मेला का तुलकेरा फरमान को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा को दिया धरना। टाटा मोटर्स के रिटायर कर्मचारी के घर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।